सियासत क्या ना कराए, वोटों के लिए नेता कभी टोपी लगाए नजर आते हैं तो कभी तिलक लगाए, ताकि धर्म विशेष के लोगों को लुभाया जा सके। लेकिन बरेली में तो एक सपा नेता ने धर्म ही बदल लिया और बुर्का पहनकर वीडियो भी जारी कर दिया और घर वालों पर ही उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। आखिर ममता पांडे क्यों बनी शबा खान, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले घर छोड़ा, फिर धर्म छोड़ा, चुनावी तिकड़म या पब्लिसिटी स्टंट, सपा नेता की बुर्का वाली सियासत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मेरा नाम ममता पांडे उर्फ सबा खान है और मैं समाजवादी पार्टी की पार्टी से नगर पंचायत अध्यक्ष सिरौली बरेली रह चुकी हूँ। ये है सबा खान, इनकी माने तो एक साल पहले ये ममता पांडे थी और नगर पंचायत चेयरमैन भी रह चुकी हैं। लेकिन इन्हें अपना चोला क्यों बदलना पड़ा, तो इन्हीं की जुबानी सुनिए। कि मैंने एक साल पहले अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और मैंने एक साल पहले अपने घर वालों के टॉर्चर से तंग आकर अपना घर भी छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरी पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे अपना घर छोड़ना पड़ गया और किराए के मकान में रहना पड़ गया। इनकी माने तो जनता की सेवा के लिए इन्होंने एक साल पहले अपना घर छोड़ दिया, फिर भी घर वालों ने उत्पीड़न किया। जहाँ भी वो मुझे देखते, मार्केट में या किसी अधिकारी के यहाँ अपने लिए पैरवी करने जाते, वहाँ वो मुझे गाड़ी में डालते, तो घर ले जाकर कमरे में बंद करते और मार्केट आए। इस उत्पीड़न से तंग आकर मैं 2-3 बार घर से भाग गई। सवाल उठता है कि एक साल पहले ये हो रहा था तो ममता पांडे को अब सुध क्यों आई? अगर घर वाले इतना उत्पीड़न कर रहे थे तो उन्हें घर से भागना पड़ा तो पुलिस के पास क्यों नहीं गईं? इसका जवाब और इनकी मंशा खुद ही इन्होंने जाहिर कर दी है, जब सबा खान के नाम से निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मेरा जो जज्बा था, जिस सोच के मैं चेयरपर्सन बनी थी, मैंने मेहनत की थी, मैंने जनता के लिए, जनता की खिदमत के लिए जो मैंने एक बीड़ा उठाया था, उसमें उन लोगों ने मुझे कामयाब नहीं होने दिया, मुझे उन्होंने जनता की खिदमत नहीं करने दी। मैं अपनी उस जनता से मिलने के लिए तरस गई हूँ, जिस जनता की खिदमत के लिए मेहनत की, चुनाव लड़ा, उन सब बातों से मैं महरूम हूँ, बहुत परेशान हूँ और मैं अपनी समाजवादी पार्टी से बहुत उम्मीद लगा के बैठी हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे, माननीय अखिलेश जी, माननीय मुलायम सिंह जी। इस मामले में ममता पांडे उर्फ सबा खान के पति सुरेश पांडे का कहना है कि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया। 2 साल पहले उनकी पत्नी ममता पांडे 30 लाख रुपए के जेवर लेकर भाग गई थी और तब से घर नहीं आई। अब चुनाव आने वाले हैं, जिस वजह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब चाल बुना गया है। 2 बहुएं जिनकी शादी इन्होंने ही की है और ये दोनों बहुओं का जेवर आए दिन ये महंगे ब्यूटी पार्लर, महंगे खर्चे जैसे लोग बताते हैं करती हैं, ये कहाँ से पैसा आता है? अगर कि कोई गलत काम नहीं करती हैं, अगर गलत काम इन्होंने नहीं किया तो ये पैसा इनके पास में कहाँ से आ रहा है? इनके खाते में कुछ नहीं होगा, 30-40 लाख का इस समय कैश होगा या टेंशन हुआ, लेन देन हुआ, ये कहाँ से हुआ? जैसे ही निकाय चुनावों का ऐलान हुआ, ममता पांडे का वीडियो सबा खान के रूप में सामने आ गया। दरअसल सिरौली सीट मुस्लिम बहुल है, एक साल बाद ठीक चुनावों के वक्त ममता पांडे का सामने आना खुद ही सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ममता पांडे और सबा खान ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली, जबकि एक साल पहले तो उनकी खुद की पार्टी की सरकार थी। बरेली से समाचार प्लस के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।